हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज दीपोत्सव था तो हम अयोध्या में आए थे, तो अभी देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट वॉलेंटियर आ गए हैं, तो अभी हम भी चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अंदर कितना भीड़ लगा है, अंदर धूप लगा है। तो चलिए एक भैया मिले हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि क्या बताते हैं। तो लीजिए भैया, आज छोटी दीपावली है, आज अयोध्या का नगरी है, बहुत ही सुनहरा सजावटी हुआ है। आज हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, और सभी व्यक्ति और अधिकारी गण सभी लोग एक तरह से जुटे हुए हैं अपने कार्य पद्धतियों में, और बड़े उत्साह के साथ आज हमारे यहाँ दीपावली का शुभ अवसर भगवान राम ने 14 वर्ष वन में रहते हुए राक्षसों का और हरण करके आज ये अपने अयोध्या घर आए हैं। राजा दशरथ के पुत्र 4 लोग थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये बहुत ही अच्छे कल थे न भगवान राम। पुरुषोत्तम बहुत जाने माने व्यक्ति और पुरुषोत्तम कहे जाते थे, और आज उनके आने के उत्सव में इतने हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है। कितने सुनहरे अवसर के साथ सजावटियां हुई है, और हमारे यहाँ के पुलिस कर्मी और CEO, SO और DM सभी लोग कल थे न, कितने सुहाने ढंग से सजावटी में लगे हुए हैं, और उनके आगमन पे बहुत तैयारियां जुटी हुई है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दीप जला के उद्घाटन करे दीप को जलाएंगे, और यहाँ अयोध्या नगरी का भगवान राम के मंदिर को बना दिए, और कितना आध्यात्मिक कार्य में कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया कि भगवान को आध्यात्मिक रूप में भगवान को भूले ना। और इस कार्य को भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शीघ्रता के साथ वो भगवान राम के जो आध्यात्मिक पुरोहित मंदिर थी, मंदिर को निर्माण करके और सभी के आगमन में प्रयोग किया, और जिससे आज बहुत अच्छा लग रहा है। और आज शाम को दीप जलेगी, और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है, राम की पैटी की जगह पे, और यहाँ बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे क्या हो रहा है, सजावटियाँ हो रही है, दीप शाम को प्रज्वल दीप को जलाते हुए, और हर व्यक्ति इंजॉय करेगा। और भगवान 14 वर्ष भगवान राम ने वनवास में रहते हुए उनके आगमन पे जनता बहुत प्रसन्न हुई है, इसके लिए आज प्रसन्नता के साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है भगवान राम के आगमन पर। और उनके संघर्षमय जीवन में भगवान बजरंग बली का बड़ा योगदान था, जब माता सीता का हरण हुआ और उनके मिलाप में माता सीता भी दूर हो गई थी, उनके सहयोग में बजरंग बली का बड़ा योगदान था। आज उनका भी बड़ा अच्छे ढंग से क्या हो रहा, पूजा पाठ उनके मंदिर पे बहुत अच्छे ढंग से
कार्य पद्धतियाँ चल रही हैं बहुत सुचारू रूप से। 2023 में भारतीय जनता पार्टी ये राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन भी करेगी। और हेलो दोस्तों, तो अभी देख सकते हैं हम अंदर आ गए हैं अपना कार्ड चेकिंग करवा के पूरी तरह से। अब चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पर देख सकते हैं हम अंदर आ चुके हैं। शाम को दोस्तों ये दीप जलेंगे सारे, तो हम आपको अगले वीडियो में दिखा पाएंगे। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मोदी जी का स्टेज लगा है, तो अभी चल रहे हैं वहाँ पर दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस वुलिस हमेशा घूमते रहते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं जहाँ पर मोदी जी आज आएंगे, आज तो वहीं पर से अपना स्पीच देंगे। तो चलिए चलते हैं, देख सकते हैं अभी सारे स्टूडेंट आए नहीं हैं, अब आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि शाम को 8 बजे दीप जलेगा सारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम ले चल रहे हैं आप लोग को जहाँ पर मोदी जी खड़ा होकर स्पीच देंगे अपना आज। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं दिया सारे लग चुके हैं, बस इसमें तेल डालना है और बत्ती डालना है जो आज अभी शुरू होगा आधे घंटा में। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये मोदी का स्टेज है, स्टेज जहाँ से मोदी योगी स्पीच देंगे अपना। तो देख सकते हैं यही है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तो दिखाएंगे आप लोगों को दीप जलता है तो कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।